हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और रिक्रूटमेंट न्यूज़। उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस इलेक्शन कमीशन ने प्रिजन गार्ड या जेल गार्ड या फिर बंदी रक्षक के लिए रिक्रूटमेंट नोटिस निकाला है 2021 के लिए। तो चलिए देखते हैं कि पोस्ट क्या है और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। उत्तराखंड सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने जेल गार्ड के लिए जो रिक्रूटमेंट नोटिस निकाली है उसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो 1/7 को शुरू होने वाले हैं। 1/7 यानी कि 1 जुलाई से आप अप्लाई कर सकते हैं जेल गार्ड के लिए। लास्ट डेट है 14/8 आपकी लास्ट डेट है, यानी कि 14 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम फीस के लिए लास्ट डेट है 16/8। अगर आपने 14 तक फॉर्म भर दिया है और फ़ी आपने नहीं जमा की है तो आप 16/8 तक फ़ी जमा कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में होने वाला है। एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट है वो दिसंबर है। आप बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 300 रुपये, एससी एसटी के लिए 150 रुपये। और ये जो फ़ी है ये केवल ऑनलाइन मोड से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से ही आप फी जमा कर सकेंगे। चलिए अब एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट जो एज की काउंटिंग होगी वो 1/7/2020 से होगी। 1/7/2020 से 1/7/2020 को एज क्या है 21 साल और मैक्सिमम एज क्या है 35 साल। यानी आपकी एज जो है वो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। वैकेंसी की बात करते हैं डिटेल में। वैकेंसी जो है ये करीब 213 पोस्ट के लिए है। 213 पोस्ट जेल गार्ड के लिए काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसीज हैं इस पर। अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो मेल के लिए 200 है और फीमेल के लिए 13 पोस्ट है। मेल के लिए 200 और फीमेल के लिए 13। एलिजिबिलिटी क्या है, आपने 10+2 किया हो, इंटरमीडिएट पढ़ा हो उत्तराखंड से या फिर किसी भी अदर बोर्ड से, आपने 10+2 यानी आपने इंटर तक पढ़ाई की हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए अब और देख लेते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट बात्स क्या है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, जो ये जेल गार्ड के लिए कारागार विभाग के अंतर्गत पुरुष बंदी रक्षक के 200 रिक्त पदों और महिला बंदी रक्षक के 13 रिक्त पदों पर, कुल 213 पदों पर के लिए जो ये नोटिस निकाला गया है वो है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पे जो परीक्षा के बारे में ये बताया गया है कि आयोग जो है वो पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आप फॉर्म वॉर्म फिल करेंगे, वो सब करने के बाद जब आप परीक्षा के लिए बैठेंगे तो परीक्षा में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अभी ये तय नहीं किया गया है कि परीक्षा ऑफलाइन मोड से होगी या ऑनलाइन मोड से होगी। यानी कि आपकी परीक्षा ऑफलाइन मोड से भी हो सकती है और ऑनलाइन मोड से भी हो सकती है। ये परीक्षा होने से पहले आपको सूचित करके बताया जाएगा कि परीक्षा ऑफलाइन मोड में होनी है या ऑनलाइन मोड में होनी है। अभी तक ये परीक्षा जो है वो ऑफलाइन मोड में होती आई है, लेकिन इस पर ये ऑनलाइन मोड में भी कराई जा सकती है। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज यानी कि आरक्षण की स्थिति में, जिन लोग भी आरक्षित कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कितनी सीट्स हैं। तो उस लिए पुरुष बंदी रक्षक की बात करें तो अनुसूचित जाति में 38 पद, अनुसूचित जनजाति में 8 पद, सामान्य में 106 पद, टोटल 200 पद है। वेतनमान की बात करें तो 19,900 रुपये से 63,200 रुपये लेवल 2 की पे मैट्रिक्स है, जिसमें आपको 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक आपको पेमेंट मिलेगी। पद का स्वरूप ये अराजपत्रित, अस्थायी, अंशदायी, पेंशदायी, पेंशन युक्त है। अब साक्षरकर्ता जो हमने बात कर ली है यानी कि आप इंटर पास होने चाहिए और हिंदी में देवनागरी लिपि का आपको ज्ञान होना चाहिए, यानी हिंदी आपको आती हो। और देखते हैं कि नोटिस में क्या इम्पॉर्टेंट है। नोटिस में जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है शारीरिक मापदंड को लेकर। अब चूंकि बंदी रक्षक के पोस्ट की बात की जा रही है तो शारीरिक मापदंड को भी लेकर बात है। इसमें पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेमी या 5 फीट 5 इंच और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेमी या 5 फीट 3 इंच। यानी कि अगर आप पर्वतीय क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपकी हाइट 165 सेमी होनी चाहिए और अगर आप पर्वतीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो ऊंचाई है वो 160 सेमी होनी चाहिए।
अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 157.5 सेमी अर्थात 5 फीट 2 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। सीने की माप पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 78.8 सेमी और फुलाने पर 83.8 सेमी होनी चाहिए। ये सब जो है और आँखों की रोशनी से भी दृष्टि से भी संबंधित कुछ है इसमें। दृष्टि एक आँख में 6/6 और दूसरी आँख में 6/6 से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात चश्मे के बिना दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आँख के लिए 6/6 और बाएं हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बाएं आँख के लिए 6/6 होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ जो शारीरिक मापदंड में भी तय किए गए हैं वो है वर्ण अंधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, भोंगापन या फिर पूर्ण रूप से इनसे मुक्त होना चाहिए। सटा घुटना, सपाट पैर, बो लेग, वेरिकोज वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियां या समस्या जो बंदी रक्षक की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करते हो को अयोग्य माना जाएगा। यानी ये सारी शारीरिक जो अक्षमताएं हैं ये आपके साथ नहीं होनी चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जैसे ही आपका जो रिटन टेस्ट होगा जो ऑफलाइन हो सकता है या ऑनलाइन हो सकता है उसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता की भी टेस्ट होगी जिसमें ये सब आपका मेजर किया जाएगा। उसके साथ ही शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों की वो भी आपकी होगी जिसमें न्यूनतम 50 अंक आपको प्राप्त करने होंगे और किसी भी आइटम में 50% से कम अंक पाने की दशा में अभ्यर्थी को वहां से पृथक कर दिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, क्रिकेट बॉल थ्रो जिसमें 20 अंकों की क्रिकेट बॉल थ्रो होंगे, दूरी 50 मीटर, 55 मीटर, 60 मीटर, 65 मीटर, 72 मीटर, 70 मीटर और ये उनके लिए अंक जो निर्धारित किए गए हैं। यानी आप 50 मीटर तक फेंकते हैं तो 10 अंक, 55 मीटर तक फेंकते हैं तो 12 अंक, 60 मीटर तक फेंकते हैं तो 14 अंक, 65 मीटर तक फेंकते हैं तो 16 अंक और 70 मीटर तक फेंकते हैं तो 20 अंक। दूसरा है लंबी कूद, लंबी कूद में भी 20 पूर्णांक है आपके और इसमें हम फिट में काउंट कर रहे हैं 13 फिट 10 अंक, 14 फिट 12 अंक, 15 फिट 14 अंक, 16 फिट 16 अंक, 17 फिट 18 अंक और 18 फिट 20 अंक। वैसे ही चिनिंग अप बीम है जिसमें भी पूर्णांक 20 है और वैसे ही बैठक जिसमें भी पूर्णांक 10 है और फिर आपका दंड पूर्णांक 10 है। सो इन सब को मिलाकर 100 अंकों की आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं, फिर आपके दौड़ की भी परीक्षा होगी, 3 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा और उसके लिए भी पूर्णांक 20 ही होंगे। महिला बंदी रक्षक की बात करें तो कुल पदन के लिए 13 है और अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, सामान्य के लिए 7 और कुल मिलाकर 13 है। इनका भी वेतन बिल्कुल सेम है 19,900 से लेकर 63,200 तक और उम्र जो है वो 21 वर्ष से 35 वर्ष तक। बाकी सारी अर्हताएं लगभग बराबर है। महिलाओं की शारीरिक योग्यता की बात करते हैं तो इनकी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर ये पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य क्षेत्र से है और अगर ये पर्वतीय क्षेत्र से या अनुसूचित जनजाति से है तो 147 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। वजन इनका 45 किलोग्राम होना अनिवार्य है और दृष्टि एक आँख में 6/6 और दूसरी आँख में 6/6 से कम नहीं होनी चाहिए। बाकी सारी अर्हताएँ जो है वो बिल्कुल पुरुष बंदी रक्षक के बराबर ही हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगी इनकी ये 50 अंकों की शारीरिक दक्षता, 100 अंकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और इसमें इनके लिए चिनिंग अप जो 50 अंकों का होगा और दौड़ व चाल 2 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा जो कि 50 अंकों का होगा। यानी कि ये जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है ये पुरुषों से काफ़ी कम है, अंक बराबर है लेकिन जो उनमें आइटम्स हैं वो कम है, इसमें केवल चिनिंग अप और दौड़ की परीक्षा होगी। ये देख सकते हैं आप, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसमें मैंने सारी बातें बता दी हैं जो शुरू में ही मैंने इम्पॉर्टेंट बातें आपको बता दी थी। अब देख लेते हैं कि बाकी और सारी इम्पॉर्टेंट बातें क्या है। जो सबसे इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आयोग द्वारा अब ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ ऑनलाइन परीक्षा की भी तैयारी की जा रही है, अतः यह परीक्षा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में से किसी एक प्रक्रिया से संपन्न कराई जा सकती है जिसके लिए अभ्यर्थियों को तैयार रहना है। यानी कि पहले यह परीक्षा जो है वो केवल और केवल ऑफलाइन मोड में होती थी लेकिन अब ये परीक्षा ऑनलाइन मोड में भी कराई जाएगी लेकिन अभी ये तय नहीं है। तो हो सकता है कि आपकी जो परीक्षा हो इस बार से ऑनलाइन मोड में हो जिसके लिए आपको तैयार रहना है। चलिए अब कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड
के जेल गार्ड एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न के, परीक्षा तो आपको देनी है लेकिन पैटर्न कैसा होगा, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, सिलेबस क्या होगा, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आएगा आपका जनरल हिंदी। जनरल हिंदी जो है वो आपसे पूछी जाएंगी। जनरल अवेयरनेस हमारा पार्ट टू है और जनरल स्टडी सब्जेक्ट जो है वो हमारा पार्ट थ्री है। जनरल हिंदी में आपसे सामान्य हिंदी पूछी जाएगी। जनरल अवेयरनेस में आपके जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो राज्य से जुड़े हों, उत्तराखंड राज्य से या फिर देश के हों, वो आपसे पूछे जाएंगे। और जनरल स्टडी सब्जेक्ट में आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 100 अंकों की परीक्षा होगी, समय 2 घंटे का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। नेगेटिव मार्किंग यानी एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, तो 1 प्रश्न गलत होने पर 1/4 यानी 0.25 मार्क्स जो है वो आपके काट लिए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस की बात करें तो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस में सबसे पहले जनरल हिंदी को देखें तो जनरल हिंदी में आपसे अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग वचन, कारक वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द पे पूछे जा सकते हैं। जनरल हिंदी का ये सिलेबस है, इसलिए आपको हिंदी का ज्ञान होना अनिवार्य है। जनरल नॉलेज की बात करें यानी जनरल अवेयरनेस सेक्शन की बात करें तो साइंटिफिक प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, इंडियन लैंग्वेजेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिटिक्स, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, बुक्स, स्क्रिप्ट, कैपिटल करेंसी, स्पोर्ट्स, एथलीट सच एज एसेंशियल न्यूज़, ये सारे जो हैं आपके जनरल नॉलेज में पूछे जाएंगे। जनरल स्टडीज़ की बात करें तो जनरल स्टडीज़ में आपसे जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज, करेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जनरल इंटेलिजेंशिया, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तराखंड। क्योंकि उत्तराखंड की परीक्षा है, उत्तराखंड सर्विस इलेक्शन कमीशन ने परीक्षा ऑर्गेनाइज की, तो उत्तराखंड से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो में जिसमें हमने बात की उत्तराखंड जेल रक्षक, जेल गार्ड से संबंधित बातें। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो हमारा जो इम्पॉर्टेंट डेट है एप्लीकेशन शुरू होने की, वो 1/7 से 1 जुलाई से आपके एप्लीकेशन के पोर्टल खुल जाएगी, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और 14/8 यानी कि 14 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने के लिए। 300 रुपये जनरल OBC EWS को और SC ST को 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देनी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए महामाया सिलेक्शन के साथ जुड़े रहें। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।